चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एस आई भर्ती शुरुआत से विवादों में छाई रही और अपनी सुर्खियां बटोरती रही है, वो भी बदनामी के कारण, ये प्रशासन की नाकामी और आरपीएससी की मिलीभगत इन पेपर माफियाओं के जरिए जिस प्रकार से ये भर्ती शुरुआत में एक दिन में होनी थी 4 सितंबर को, इसको 3 दिन आयोजित करवाया गया, वो भी इन माफियाओं के एक सुविधा केंद्र बनाने के लिए, क्योंकि इन माफियाओं ने जगह जगह सुविधा केंद्र बना रखे थे और पेपर लीक को शुरुआत से ही, शुरू के दिन से ही इन्होंने लीक किया था और अपने साइट हैंडलर्स के माध्यम से विभिन्न लोगों को इन्होंने पहुंचाया और ये पेपर 1500 से 2000 लोगों के बीच तक पहुँचा है, जिनमें से 500 तक अभ्यर्थी फर्जी थानेदार बन चुके हैं और जिनको जिस प्रकार से एक परिवार में दो दो तीन तीन सदस्य, वहीं रिश्तेदारी में तीन तीन चार चार पाँच पाँच सदस्य चयनित हुए हैं और जो मेहनत करने वाले लाइब्रेरीज में जो रात और दिन एक कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं है, उनके रैंक भी देखें तो बहुत दूर दूर तक है और ये रैंक जो टॉप करते हैं और जिनका अभी हाल ही में 15 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया है एसओजी के द्वारा, उनमें से कई खुला से चौंकाने वाले टॉपर भी शामिल, जिस प्रकार से वो टॉपर निकला है नरेश बिश्नोई, उसने भी पेपर लेने के बावजूद उस व्यक्ति की ये हालात देखिए, किस एग्जाम में नहीं बैठा, उस एग्जाम दिलाई है किसी से, वो खुद एग्जाम में नहीं बैठा, उस व्यक्ति के आईक्यू देखिए आप, पेपर लेने के बावजूद वो पेपर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया और डमी कैंडिडेट के माध्यम से वो पेपर दे पाया है और उसने टॉप किया है, तो ये धांधली किस कदर हुई है। और वो ही नहीं, ऐसे अभ्यर्थी 500 तक हैं जिसने मतलब पेपर लिया है और फर्जी तरीके से आज आरपीए में प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये लोग जब समाज में उतरेंगे तो समाज में लोगों का किस तरीके से शोषण करेंगे और समाज के लोगों में जब ये खुद आपराधिक प्रवृत्ति से इस भर्ती का हिस्सा बने हैं तो समाज के लोगों को भी ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेंगे और हिंसा और अपराध की ओर धकेलेंगे। इस प्रकार से ये राजस्थान आगामी कुछ वर्षों में ये आपराधिक प्रवृत्ति के थानेदार इस राजस्थान को क्रिमिनल स्टेट बना देंगे, इसलिए इस भर्ती को भजनलाल सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इस भर्ती को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस भर्ती को बने रहने का इसलिए औचित्य नहीं है क्योंकि ये भर्ती 500 तक फर्जी थानेदार, जिसमें 800 पद टोटल पद हैं, आप गौर कीजिए ओबीसी और जनरल कैटेगरी तो 90% तक फर्जी है और बाकी इसमें 70% फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए और नए सिरे से एक ही दिन ट्रांसपेरेंस ईमानदार तरीके से होनी चाहिए। कब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा आपका, कब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक भजनलाल सरकार इसकी रद्द की घोषणा नहीं करती है तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और यदि भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती सरकारों के ढरे पे चलती रही और आश्वासन ये लोगों की सिंपैथी लेती रही कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो अब बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन परतें खुल रही हैं और एसओजी ने भी साबित कर दिया है और आरपीएससी ने भी ये पुष्टि कर दी है नरेश बिश्नोई को 34 नंबर देकर, जो बंदा पेपर लेके एग्जाम में बैठने के काबिल नहीं था, डमी कैंडिडेट के माध्यम से वो टॉप किया, उस व्यक्ति को 34 नंबर देना, आरपीएससी भी पूरे प्रकरण में संलिप्त है, इसलिए आरपीएससी भटकाने के लिए ये आरएस के थ्रू एसआई भर्ती को कराने का एक ढोंग रच रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप सब सड़कों पे आइए, वरना लाइब्रेरीज के आप चक्कर काटते रहेंगे, लाइब्रेरीज में बैठे रहेंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है और ये नरेश जैसे नकली थानेदार बनकर जब आपके कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या समाज में आएंगे तो आप उनके महिमा मंडन में शरीक होने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप आइए सड़कों पर। और उन कोचिंग संस्थान को भी मैं कहना चाहता हूँ जो जिन्होंने इनके टॉपर होने का एक रैंक होल्डर होने का एक क्रेडिट लेने का श्रेय लिया था और वो आज इन पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ में नहीं है, और जब ये वैकेंसी आती है तो नए नए कोर्स लॉन्च करके विभिन्न पैकेजों के माध्यम से इन युवाओं के साथ ये वितरित करते हैं और युवाओं का शोषण करते हैं, इसलिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं जो ये विभिन्न नामचीन कोचिंग संस्थान है जिन्होंने ये कसम कार्य की है कि कोयले से हम हीरा तराशने की बात करते हैं और इन्होंने एक नकली नरेश को पहचानने का काम नहीं किया जो व्यक्ति डमी कैंडिडेट के माध्यम से टॉप कर गया है। एक तमाम युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और यहाँ युवा अपना दर्द सरकार तक भी प्रकट कर रहे हैं, लगातार इन युवाओं की यही मांग है जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको सरकार द्वारा रद्द किया जाए। आज जो आपका प्रदर्शन जारी है, कहाँ तक प्रदर्शन है? क्योंकि डॉक्टर करोड़लाल जी ने पहले भर्ती हुई थी तब पहले बोला था कि इसको एक दिन कराया जाए, लेकिन उनकी बातों के लो सरकार ने बिल्कुल नहीं माना, इसलिए भर्ती वैसे देखा जाए शुरू से ही विवादों में रही है, फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, किसी को उसका नुकसान होता है, किसी को उसका फायदा होता है। मेरी सीधी सी बात यह है, मतलब पहले तो कि इतनी कम पोस्ट होती है पहले एसआई वैकेंसी में, 4-5 साल में एक वैकेंसी पूरी होती है,
फिर उसको इस तरह मतलब पेपर लीक रहे से होता है, तो मतलब एक अभ्यर्थी बिल्कुल टूट जाता है पूरी तरीके से। तो मेरा कहना तो यही मतलब एक भी अभ्यर्थी फर्जी अभ्यर्थी थानेदार नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब सबसे अच्छा उपाय एक ही मतलब इसको रद्द कर देना चाहिए मतलब इस भर्ती को। और आरए से बाहर करो, वो तो बात की बात, लेकिन पहले रद्द करना चाहिए। क्योंकि यदि एक भी फर्जी अभ्यर्थी थानेदार बनता है तो एक ऐसा एक एरिया में बहुत एरिया कवर होता है, तो सोचो वो कितना बड़ा नुकसान है वो मतलब। और हर फर्जी के खिलाफ अपन मतलब प्रमाण सबूत जुटा भी नहीं सकते। सीधा सबसे अच्छा विकल्प मेरे को लग रहा है सबसे पहले इस भर्ती को रद्द की जाना चाहिए, और काम फिर बाद हम करते रहेंगे। तो ये कहना है, और अब जो दोबारा होगी तब एक पेपर होना। एक गरीब गांव का गरीब तबके का एक बच्चा आज जब आता है एक ऑफिसर का सपना लेके, तो एक ऐसे ही भर्ती है जो सपने तक पहुंचाती है उसे। अगर करते हैं तो स्टेट पीसीएस का मतलब क्या रह जाएगा? अगर ये करने के भी एलिट पोस्ट है ये भी डालना, सब ऑर्डिनेटर आती है तो फिर पटारी वटारी सबको डिला दो, फिर आरएस का मतलब क्या रहेगा? फिर अलग से वैकेंसी निकालने का मतलब क्या रहेगा? ये और इसका क्वालिफिकेशन अलग पटवारी वगैरह ये सब डालने में इसलिए डालना चाह रही है सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रही, और आरएस में इसलिए डाल रही है कि युवा बेरोजगार उधर डाइवर्ट हो जाए उसका ध्यान। और कौन से आरएस क्या रद्द, आरएस में क्या लीक नहीं होते पेपर? बाबूलाल कटारा तो आरपीएससी का मेंबर उधर भी था ना, उसने तो इंटरव्यू लिया है ना, मैंने तो एसआई का इंटरव्यू दिया है, मुझे तो पता है ना मेरी रैंक नहीं लगी इसलिए फेल हुए, आज सड़कों पर आए। अब युवा नहीं सहेगा, अब ये चीजें अब नहीं होगी, एएसआई भर्ती को रद्द करना पड़ेगा सरकार को, और आरएस से बाहर भी करना पड़ेगा। एक के बाद में एक पकड़ में आ रहे हैं, कम से कम एक दर्जन थानेदार फर्जी एएसआई, और जो टॉपर था नरेश बिश्नोई उनकी जगह डमी विद्यार्थी बैठा था, सबको पता है सरकार को, फिर भी सरकार रद्द नहीं कर रही इन चीजों को। सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपा रही है, सोल्यूशन ही नहीं है ना भाई। आप एग्जाम पैटर्न बदल रहे हो तो किसी चीज का सोल्यूशन थोड़ी है। ऐसा नहीं है, फिर वो पेपर लीक तो आरएस में भी होता है, क्या उनको यूपीएससी की तरफ भी करवाएंगे ये लोग? नहीं करवाएंगे। और एसआई को क्यों, एसआई को क्यों डाल रहे हो उसमें? कांस्टेबल को भी डालो, पटवारी को डालो, अगर तुम पेपर में डालते हो आरएस में तो सबको डालो। विभाग खुद ही भ्रष्ट है, उसी वापस दी जा रही है ऐसा ही भर्ती भाई। विभाग चेंज करने की बात करते तो कुछ पता ही चलता, वही आरपीएससी जो आरएस भर्ती अभी घोटाला करती गई है और उसी को वापस बोल रहे हो ऐसा ही भर्ती आप लोग, फिर इसका कोई निर्णय नहीं निकलता। सीधी सी बात है कि ऐसे ही भर्ती को अलग से की जाए और रद्द की जाए और एक सुचारू रूप से वापस एग्जाम कराया जाए। प्रदर्शन अभी तो यहाँ सभी कर रहे हैं, और एसआई के लिए जो भी रद्द का प्रोग्राम रखा है, अगर रद्द नहीं करते हैं तो ये और ज्यादा इनका हजूम है वो बढ़ेगा, इसीलिए एसआई में जो भी अभी रखा है रद्द कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी उसका पूरा अभी आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद ये इकट्ठा होना भी बंद हो जाएगा। आपने भी एसआई का एग्जाम दिया था, क्या वो अभी तो रिजल्ट तो सही नहीं था, लेकिन अब जो है इस हिसाब का रिजल्ट आ रहा है, ये सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं उस हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आप क्या कहना? नमस्कार, मेरा नाम है टिंकू आकोदिया, मैं सैयदपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारा कहने का मतलब है कि जो सरकार ने भर्ती कराई 2021 में ऐसा ही भर्ती वो मतलब इतनी तरह से धांधली की गई थी उसमें, सरेआम मतलब लोगों को दिखाया गया ट्विटर पे कि पेपर मतलब वो हो गया, और अब मतलब इतनी वो रीस की सरकार ने जांच करी, जो ऐसा ही एसओजी हमारी उसने अभी खुलासा किया है, और खुलासा करने के बाद पता चला गया कि 21 क्या इसमें पता नहीं 100-200 जो मतलब लगे ऐसा हिसाब हमारे बहुत फर्जी तरीके से लगे हैं। और हम ये चाहते हैं मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, मेहनत करने वालों की चाहते हम कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और सरकार हमारी ये बात सुने मतलब, और जो भर्ती हुई है मतलब वो बहुत तरह से हुई है, बहुत धांधली से हुई है, इसको फिर दोबारा से कराया जाए ताकि जो छात्र हैं मतलब जिनके साथ न्याय हुआ है वो उनके साथ सही न्याय हो सके। हमारा इसलिए हमने आज ये 11 मार्च को कूच किया है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, यही चाहते हैं हम कि इसको दोबारा से री एग्जाम कराया जाए और बहुत पारदर्शी के साथ कराया जाए ताकि आप क्या कहना चाहें, इस भर्ती को रद्द किया जाए और वापस नई भर्ती शुरू की जाए, जो गलत हुआ है पेपर माफी के खिलाफ ये लगातार जो आउट हो रहे हैं पेपर, इसमें सरकार का दोष है, और आगे सरकार से अपील है कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और ये कोचिंग संस्थानों द्वारा पेपर लीक किए जाते हैं इस पर सरकार को आपत्ति लगानी चाहिए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ तक आपका प्रदर्शन? सर मेरा तो यही है कि एसआई की हम तैयारी कर रहे हैं, और पिछले साल से हम एसआई की तैयारी करने के लिए लग रहे हैं, अब सरकार ने फैसला ले दिया कि एसआई जो वैकेंसी है उसको आरएस में शामिल करेंगे, तो हम इतने पैसे वाले नहीं है, किसान परिवार से आते हैं, हम एक बार भी तैयारी करने के लिए आते हैं ना तो कहीं से लोन लेकर फिर तैयारी करने के लिए आते हैं, हमारी तैयारी हो गई एसआई की, अब ये कह रहे हैं आरएस में शामिल करेंगे, तो इतने पैसे नहीं है कि हम फिर से कोचिंग कर लें, तो हमारे साथ ये तो गलती हो रहा है स्टूडेंट के साथ। हमारी मांग यही है कि एसआई को आरएस से अलग किया जाए बस। देखिए जो एसआई भर्ती है उसके अंदर भ्रष्टाचार के लगातार
घटनाएं सामने आ रही है और लगातार ट्रेनिंग करते हुए एसआईयू को जो है एसओजी द्वारा पकड़ा गया है। और अब अपनी कमियों को, अपनी मनमानी को, अपने इस तुगलकी फरमान को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आरपीएससी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि एसआई भर्ती को आरएएस परीक्षा में शामिल कर लिया जाए। तो हमारे जो प्रदेश भर के गांव गरीब मजदूर का, किसान का बच्चा जो तैयारी करता है एसआई की, अब वो लाख रुपए लगाकर, 1.5 लाख रुपए लगाकर, अपना 5-5 साल का समय लगा करके आरएएस परीक्षा की तैयारी करेगा तो ये उसके साथ बहुत अन्याय होगा। इसलिए एसआई और आरएएस परीक्षा को अलग रखना चाहिए। और ऐसा देखने में आ रहा है कि लगभग डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा ने भी इस बात पर आरोप लगाया है कि 400 से ज़्यादा फर्जीवाड़े इस भर्ती के अंदर हुए हैं और 400 से ज़्यादा ऐसा ही जो है वो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं। इसलिए एक न्यायपूर्ण ढंग से जांच करके और इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसा ही भर्ती है उसको आरएएस परीक्षा से अलग रखा जाना चाहिए। उसको अगर इसमें शामिल किया जाता है तो ये छात्रों के साथ अन्याय होगा और ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण फैसला आरपीएससी का अपनी कमियों को छुपाने के लिए है। आज जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे मनोज मीणा, उनको भी महेश नगर पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या आपके आंदोलन को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक तो ये जो छात्र हैं सारे, ये नेतागिरी के लिए नहीं है। तो हमारा नेता जो है ना, हमारा नेता हमारे छात्र हैं। और रही बात किसी भी छात्र के ऊपर यदि पुलिस प्रशासन द्वारा मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जाती है तो वो अपने हक के लिए, अपनी नेतागिरी के लिए नहीं लड़ रहे। यहाँ पर सारे छात्र अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने माँ बाप की कमाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी छात्र पर कोई कार्रवाई की जाती है तो हम लोग नहीं सहेंगे। और हमारे किसी भी छात्र को अगर हिरासत में लिया गया है तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, आश्वासन मिला, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। आश्वासन मिला? अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक जो है दमन पूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रशासन से बातचीत करने के बाद में ही कोई फैसला ले पाएंगे। जो रील चलाई गई थी फर्जी रील की, रद्द होगी भर्ती? नहीं तो अमेले के आरपी वो नरेश सुलेनी, वो मैं आशीष यादव हूँ जिसकी 740 रैंक है, मेरा फाइनल सिलेक्शन तक नहीं हुआ लेकिन मेरे को उस वीडियो से जोड़ा गया। और भर्ती को रद्द करे, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसा ही भर्ती रद्द करो। सभी छात्रों की एक मांग है कि भर्ती को रद्द करे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भर्ती 5 साल में बहुत से आउट हुए, पर ऐसा ही का तो आपने सबूत पकड़ लिया। सबूत पकड़ने पर ऐसा ही को तो रद्द करो। और हिंदी का पेपर ऐसा आउट हुआ है कि लोगों के पास 400-400 क्वेश्चन, आरपीसी के दलाल जो 5 सदस्य बने हुए हैं, जो कटारा बटारा खेलने वाले इस देश में होने नहीं चाहिए, जो 2 महीने पहले पेपर देते थे लोगों को और आंसर की निकल जाती थी, कई लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में नागौर जिले से 2 ऐसे लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ उनको। सर, आपका वीडियो लगातार वायरल हुआ था, वो लोगों ने उसको लेकर बिल्कुल वो गलत तरीके से वायरल किया गया था। मैं आशीष यादव हूँ जिसकी 740 भी रैंक है, मेरा फाइनल सिलेक्शन तक नहीं हुआ लेकिन उस वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया गया। अब देखते हैं जो युवा सच्चाई की आवाज़ उठा रही, इसको कहाँ तक वायरल किया जाता, कहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जाता है सच्चाई की आवाज़ को। बात में कुछ बात हो, बात होनी चाहिए, जो सच के साथ खड़ा हो वो खात होनी चाहिए। एसआई भर्ती रद्द करो। कितना घोटाला हुआ है एसआई भर्ती में? कितना? बहुत 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 लेवल तक, अधिकतर 50% फर्जी लगे हुए, 50% का 80% तक फर्जी भरे हुए हैं। देखिए, तमाम अभ्यर्थी एसआई भर्ती से जुड़े हैं और लगातार ये एसआई भर्ती 2021 859 पदों को रद्द करने की बात कर रहे हैं और इनकी आक्रोश रैली है। और कहाँ तक आक्रोश रैली? क्या आरपीएससी से आरपीएससी में अंदर नहीं जानी चाहिए एसआई भर्ती, और एसआई भर्ती रद्द करो क्योंकि ये कोई निर्णय नहीं होता। क्योंकि अगर गरीब परिवार के तबके के कोई भी स्टूडेंट ऑफिसर रैंक तक पहुंचना चाहता है, वो एक जरिया है एसआई पेपर। अगर आरपीएससी में आप डाल दोगे तो स्टेट पीसीएस का क्या मतलब रहेगा? आज तक सारे स्टेटों में एसआई भर्ती को नहीं लाया गया। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ एसआई भर्ती जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और इसको आरएस से बाहर किया जाए, क्योंकि आरएस में सम्मिलित करने से यदि पेपर लीक नहीं होता तो इसका कुछ और उपाय हो। हर भर्ती का पेपर लीक तो उसका उपाय किया जाए। मैं सरकार से यही आह्वान करना चाहता हूँ, आप ही पेपर लीक को रोका जाए। यदि पेपर नहीं लीकते हो, रोकते हो, लीक तो
आप भी उसी सरकार जैसे हो, जल्दी से जल्दी एसआई भर्ती रद्द की जाए, जल्दी से जल्दी एसआई भर्ती रद्द की जाए।